मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मौत की दो घटनाएं सामने आई है, जिसमें एक में पति ने अपनी पत्नी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं दूसरी घटना में पति की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को युवक के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी दर्द भरी कहानी लिखी है। दरअसल इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले राजू परमार ने अपनी सास व साली से परेशान होकर भरगुआ थाना क्षेत्र के पिपलिया पाला तालाब में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रजापति नगर में रहने वाले राजू परमार केटरिंग का काम करता है, जहां राजू का कुछ दिनों से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसमें राजू की सास व साली कुछ दिनों से राजू को अपनी पत्नी को ले जाने के लिए प्रेशर बना रहे थे। इसी तनाव के चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। भाई मेरा ना 26 तारीख को नाइट में प्रोग्राम करके गार्डन से निकला घर के लिए, तो रात को घर नहीं पहुंचा टाइम पे, तो उसके बाद क्या उसको हम लोग मॉर्निंग में ढूंढना चालू किया, तो फिर सर्चिंग कर रहे हैं तो पुलिस वालों को रात को कल रात को नाइट में गाड़ी मिली 12:30 बजे, तो उसके बाद हमने उसको सर्च करा वहाँ तालाब में, तो आज सुबह मॉर्निंग में उसके 7:30 बजे गाड़ी मिली और उसका एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि ससुराल वालों के कारण, सास साली और घरवाली के कारण बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान कर रहे थे उसको, आए दिन फ़ोन लगा के और मैसेज करके उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि इसको ले जाओ उल्टे सीधे केस करेंगे, तो इसमें प्रेशर में आत्महत्या कारण का अभी तक जानकारी लेते उसके भाई ने बताया कि वो एक सुसाइड नोट उसकी गाड़ी में मिला है जो ला कर दिया है, वो जब्त किया हूँ, उसमें लिखा है कि मैं अपनी ससुराल से अपनी सास से और साली से परेशान होकर के आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे भाई मेरे परिवार वालों को न परेशान किया जाए, अनावश्यक किसी को न परेशान किया। अग्नि के साथ फेरे लेकर पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन इंदौर शहर में सामने आई इन दोनों घटनाओं ने न सिर्फ पुलिस को चिंता में डाल दिया बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इंदौर से देवेंद्र मराठा की रिपोर्ट।